सम्माननीय पंच कमेटी महोदया बैठे हुए पंच कमेटी में सदस्यगण महोदय एवं बैठे हुए कमेटी के अतिथिगण महोदय दूर दराज से पधारे हुए आस पड़ोस से पधारे हुए मेरे पिता के त्वरु मेरे पिता के तुल्य मेरे पिता के समान मेरे बुजुर्गण मेरे नौजवान भाई जिकड़ी प्रेमी जनता जनार्दन एवं इस पृथ्वी का श्रृंगार गंगा यमुना के समान पवित्रमय मेरी आज शक्ति मेरी माता बहनाएं सभी के श्री चरणों में सर्वप्रथम सबसे पहले कुमारी लक्ष्मी सिंसिनवार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत सत कोट नमामि नमस्कार राम राम सा सजना आप सभी के समक्ष में कलाकार बंधु अपनी अपनी कला प्रस्तुत करते हुए जा रहे हैं लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि सारी बातें भाव की हुआ करती है ये तरस परस सारी बातें उस ईश्वर के हाथ हुआ करती है रामायण के अंदर भी बाबा साहब स्वयं विभीषण जी ने हनुमान जी से कह दिया कि ये हनुमान जी अब मोए भाव भरोस हनुमंता अब मोए भाव भरोस हनुमंता अरे बिन हरि कृपा मिले नहीं संता बिना उस प्रभु की कृपा के बिना उस नारायण की कृपा के ना तो आप जैसे पंचों के दर्शन होते हैं ना आप जैसे श्रोतागणों के दर्शन होते हैं लेकिन भैया जी आइएगा जैसा कि हमारी कमेटी का आदेश कार्यक्रम भजन जिकड़ियों का और बाबा साहब जहाँ पर जिकड़ी का नाम आता है आगामी कलाकार आपको बताते हुए जा रहे थे कि जिकड़ी की जननी जिकड़ी की जहाँ से उत्पत्ति होती है जिसे हम जिकड़ी की माँ कहते हैं बाबा साहब आप जैसे विद्वान लोगों ने नाम रख दिया साखी सुनिएगा साखी और भैया जी साखी के बोल क्या जवाब दे रहे हैं और लेबाज पे हुई सवारी बांध हथिया अरे हो अरे बांध हथिया हथियार रे याने हुकमे और फौज को बहना दियो या को बारो सो राजकुमार हो ए अरे या को बारो सो राजकुमार पुत्र पुचकार हो पुत्र पुचकार रे याने बांध पीठ तेलियो हे भैया जी आवाज बढ़ाओ यार थोड़ी सी इतना कही है सुनिएगा भैया आइएगा ये तो ही साखी लेकिन बाबा साहब साखी का झड़ाव जवाब दे रहा कह रहा है क्या आ गई फौज पिछारी क्या
अंग्रेजी सेना में किलकारी को कहा कर रही युद्ध भयंकर भारी तेग झरे चिनगारी भिड़ रही तेग झरे चिनगारी को। और इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया जी। कहा भिड़ रही तेग झरे चिनगारी कहा की बागे पकड़ता तन से क्या है ना बाज की बागे पकड़ता तन से अरे तेगी तेगो तेग चलाए रही है दो हाथन से ए, तेग चलाए रही दो हाथन से अरे घोड़ा मारे रयो लातन से क्या अरे घोड़ा मारे रयो लातन से और युद्धि 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 कुशल थी वो बालापन से भैया जी ए युद्धि कुशल थी बालापन से लेकिन कहना क्या ए, अरे युद्ध कुशल थी वो बालापन से और कहा क्या अरे होनी बड़ी बलवान क्या अरे होनी बड़ी बलवान घायल है के गिर गया घोड़ा और ले लिए फिरंगी ने या के प्रहार लेकिन आगामी कलाकार भी आपके लिए लगा करके गए थे दामोदरी रसिया जिसे कहते हैं भरतपुरी रसिया जो हमारे भरतपुर जिले की पहचान। सुनिए का कहना क्या भैया भेज दे फिर से या भारत में क्या या भारत में हो बाबा साहब। वैसे आपके सामने ऐसा कोई भी प्रसंग ऐसी कोई भी कहानी ऐसा कोई भी कथा आपके सामने शेष नहीं बची। का है वो भैया का खोगो तुम्हारो आज ही मिलेंगे समन्ते के कल मिल लेंगे कह फिर ऐसा करो पहले तुम मिल लो मैं बाद में गा लूंगी निवेदन करूंगी शांति बनाए। भैया जी मेरा प्रसंग मेरा जिक्र मेरी कहानी मेरी कथा उस समय की है। बाबा साहब आप सभी लोग जानते हैं
हनुमान जी का जन्म बाबा सब कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, आइएगा गौर कीजिएगा। एक समय बाबा साहब महाराज पवन का विवाह महारानी अंजना के साथ हो जाता है। विवाह हो गया, बुजुर्गों दोनों ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने का दृढ़ संकल्प ले लिया। आज बाबा साहब जब 12 वर्ष व्यतीत होने को आए, हुआ क्या, महाराज रावण का महाराज कुबेर के साथ में बाबा साहब युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ा, महाराज रावण के साथ महाराज बाली को जाना पड़ा। महाराज बाली के साथ में महाराज पवन को भी जाना पड़ा। युद्ध में चले गए। एक रात्रि के समय युद्ध में विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते ध्यान आया महारानी अंजना का। सज्जनों रात्रि के समय ही महारानी अंजना के महलों में आए, सहवास की कामना की। प्रातः काल होने से पहले उस युद्ध भूमि में पहुंच गए। लेकिन बाबा साहब कहानी ने थोड़ा सा मोड़ लिया। 3 महीने के बाद आज रानी अंजना गर्भवती हो जाती है। रानी अंजना को बाबा साहब रानी अंजना की सास ने यानी कि महाराज पवन की मां ने जिसका नाम था केतमती। आज देखी मेरी पुत्र वधु गर्भवती है, मेरा पुत्र रणभूमि में है। ये हुआ तो हुआ कैसे। सजनों आज विचार कीजिएगा, रानी अंजना और भैया जी जैसे ही माँ केतमती के सामने आती हैं, आज केतमती जवाब दे रही कि सुन बेटी तूने किया क्या भैया कैसे। अरे बापनी और दुष्टा तूने, और आज कैसो बादल पारो है, और पीहर सासुरे और दोनों कुल का गौरव कारत डारो है। हुक्मी खेड़ा हुक्मी खेड़ा, शरण साच पे गिर गयो आज अंगारो है। हुक्मी खेड़ा लेकिन कहना क्या, कहा गम के घूट समर के जीप प्याले, क्या है रे गम के घूट समर के प्याले, आंख मीच पीना चाहिए, है आफत का, है आफत का, है आफत का, नाम जिंदगी रे हंस हंस के भी ना चाहिए, है आफत का नाम जिंदगी रे। आज जैसे ही बाबा साहब अंजना ने देखा मेरी माँ ने मुझ पर आरोप लगा दिया। सज्जनों हाथ जोड़ कर के खड़ी हो गई। अंजना ने कहा कि सुनिए सासू माँ, जैसा कि आपने मुझ पर आरोप लगाया कि मेरा गर्भ के अंदर आपके पुत्र पवन का अंश नहीं है, ये झूठा आरोप है। लेकिन सुनिए अर्थ में कहा कि अंजना कहकर जोर मत मेरी, अंजना कहकर जोर मत मेरी, बात ना झूठी, अरे तुम देखो इसकी और लाल त्यारे की अंगूठी। बोली केतमती,
बोली के तू मती, अरे मोह से मिले बिना नहीं जाता तेरा पवन पति। झूठो दोस्त धरे मत माता, झूठो दोस्त धरे मत माता, अरे बू तो चरणन शीश नवावे और नैनन से नीर बहावे। जब इतने शब्दों को सुना सजनों, आज अंजना कह रही है कि सुन सासुमा, आपके दिल के अंदर जो शंका है उस शंका का निवारण कब होगा? भैया मोनू कैसर क्या जवाब दे रही है? होरिये ले आमे ते हरे लालिये रंजी हीरे रे 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 क्या होरिये ले आमे ते हरे और लालिये रंजी मलाल दूर हो सारो और ले मेरी इज्जत पे और ले मेरी इज्जत पे मैया तुम्हें लात माते मारो शास्त्र ले बाज सच पे वेद शास्त्र ले बाज सच पे आज कब हो नाई और अपने सोने अरे अपने सोने में अपने आप लगा रही काई। लेकिन सुनमा कहा चार दिना की खिली चांदड़ी क्या है रे चार दिना की खिली चांदड़ी चंद्र घड़ी का मेला अरे कोई किसी का गुरु नहीं ना कोई किसी का चेला अरे कोई किसी का समय का भाव। सुनेंगे गाना और बाबा साहब गाना भी क्या, बड़े ही बुजुर्ग बैठे हुए हैं और आप सभी लोगों की सरदारी बैठी हुई है। एक प्यारा सा गीत मैं निवेदन करूंगी नौजवान भाइयों से, शांति बनाए क्योंकि ये आपके गांव की व्यवस्था है। आप शांति बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपको कुछ सुनने के लिए मिलेगा, वरना कलाकार बंधु तो गाएंगे और चले जाएंगे। भैया जी आइएगा और गीत आपके सामने एक ऐसा पेश कर रही हूँ। बाबा साहब हमारे राजस्थान के अंदर एक कहावत है, अगर कोई छोरी छापरी घर के काम को मना कर दे बूढ़े बड़े कैसे कहेंगे लाली तू तो मूड पर चढ़ गई। सजनों ये केवल मूड पर चढ़ने वाली एक कहावत नहीं, आपके सामने इस कहावत को मैं सत्य साबित करूंगी। इसका प्रमाण वेद शास्त्रों में भी अर्जित किया गया है, वेद शास्त्रों में भी मिलता है। ऐसी नारी जो बाबा साहब चरणों में रहते हुए भी खोपड़ी पर जा बैठी। लेकिन सुनिएगा फिल्मी दुनिया वालों ने भी भैया जी बड़ी प्यारी सी एक तर्ज निकाली और तर्ज के बोल हमारे बुजुर्गों के समय की तर्ज बड़ी प्यारी सी तर्ज सुनिए भैया कैसे। और दिल लगी ने दी हवा क्या दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई और अरे तेरी मेरी दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती। लेकिन सुनिएगा अब गीत कह रहा है क्या, अरे
प्रेतु के हालात में बात की एक बात में बेतु के हालात में बात की एक बात में बात इतनी बढ़ गई और कितनी बढ़ गई। अरे वो चरणों में रहने वाली जिसे आप लोग पैरों की जूती कहते हो वो चरणों में रहने वाली हाँ चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे तड़ी गई वो चरणों में रहने वाली लेकिन सुनिएगा अब ऐसा पहली बार कब हुआ जब एक नारी चरणों में रहते हुए बाबा साहब खोपड़ी पर जा बैठी। सुनिएगा कहा क्या हेरे नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णु पति क्या हेरे नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णु पति शिव ने धारा शीश पर तो धारा बन गई है नदी पाहे जब नाराजता जाने दुनिया दासता अरे पाहे जब नाराजता जाने दुनिया दासता क्यों अरे ऐसा हुआ कमाल ये कहानी गड़ गई और वो चरणों में रहने वाली अब चरणों में किनके रहा करती थी। बामन भगवान ने जब अवतार लिया बामन भगवान के पैर के नाखून से गंगा जी का अवतरण हुआ और वही गंगा जी जब समय बदला भागीरथ ने तपस्या की भोलेनाथ जी की जटाओं में जाकर के विराजमान हो गई। इसीलिए कहा वो चरणों में रहने वाली हाँ चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे तड़ी गई चरणों में रहने वाली। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे बड़े भाई पप्पू सिंह जी गैरा के प्याऊ निवासी हमारे लिए दे रहे बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। अब सुनिए दूसरी बार ऐसा कहां हुआ जब एक नारी बाबा साहब पैरों में रहते हुए चरणों में रहते हुए खोपड़ी पर जा बैठी। सुनिए कहां क्या लक्ष्मी जी का अंश व्रत विष्णु जी ने जब छला क्या लक्ष्मी जी का अंश व्रत विष्णु जी ने जब छला श्राप दिया था विष्णु को विष्णु जी को खला क्यों अरे जाहे ना ये दुख सहा पर संकट है बढ़ रहा अरे जाहे ना ये दुख सहा संकट है बढ़ रहा और अरे देखा ये नारी कैसे मेरे मथे मड़ गई और वो चरणों में रहने वाली अब चरणों में किनके रहा करती थी। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों में रहा करती थी लेकिन बाबा साहब जब समय बदला लक्ष्मी जी ने अवतार लिया वृंदा का यानी तुलसी का और भगवान विष्णु बन गए जालंधर। लेकिन जब लक्ष्मी जी ने श्राप दिया भगवान विष्णु बन गए शालिग्राम। और आज आप लोग भी जब तुलसी जी की पूजा करते हो ना बाबा साहब तो तुलसी जी को कहां चढ़ाते हैं शालिग्राम के मस्तक पर। इसीलिए कहा क्या वो चरणों में रहने वाली हाँ चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ी गई चरणों में रहने वाली। अब सुनिएगा अंतिम बार और भैया जी तीसरी बार ऐसा कहां हुआ जब एक नारी चरणों में रहते हुए खोपड़ी पर जा बैठी। सुनिए कहा क्या हेरे ताड़ का
माता की हड्डियों से पादुकाए जब बनी क्या ताड़का की हड्डियों से पादुकाए जब बनी पहनी थी श्री राम ने तो प्रीति हो गई है घनी और हेरे भाई को मनाते भाई तेरे भाई से ही पाए भाई भाई को मनाते भाई भाई से ही पाए भाई क्यों अरे भाई के द्वारा देखो भाई के द्वारा देखो ये कैसे पड़ गई और वो चरणों में रहने वाली अब चरणों में किनके रहती थी ताड़का एक राक्षसी थी उसको मार करके भगवान राम ने ताड़का की हड्डियों से पादुकाएं बनाई भगवान श्री राम ने उनको पैरों में धारण किया लेकिन जब भगवान राम को वनवास हो गया भरत जी बनाने के लिए गए भगवान श्री राम ने जिन पादुकाओं को अपने चरणों में धारण किया था भरत जी ने उन्हीं पादुकाओं को अपने शीश पर धारण कर लिया इसीलिए कहा वो चरणों में रहने वाली हाँ चरणों में रहने वाली और खोपड़ी पे चढ़ी गई चरणों में रहने वाली राम राम और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भाई दे रहे हैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी तो?